दोस्तों, अगर सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम है वो निकल के आता है ओप्पो का। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो। दोस्तों ओप्पो के बहुत सारे स्मार्टफोन है, ओप्पो एफ वन, ओप्पो एफ वन एस, ओप्पो एफ थ्री, एफ थ्री प्लस, दोस्तों ओप्पो एफ फाइव, और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो ओप्पो एफ फाइव यूथ का। दोस्तों ये जितने भी स्मार्टफोन मैंने आपको बताया सब सेल्फी सेंटर के स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया ओप्पो एफ फाइव यूथ ये भी लिस्ट में नहीं जुड़ा है इंडिया के अंतर्गत, लेकिन वो जल्दी जुड़ने वाला है। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो एफ फाइव यूथ के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं वीडियो वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो एफ फाइव यूथ के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बात करें ओप्पो एफ फाइव यूथ के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओप्पो एफ फाइव यूथ का इमेज। दोस्तों देख लीजिए, यही है ओप्पो एफ फाइव यूथ का इमेज। दोस्तों अब बात करते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रांड देखने को मिलता है ओप्पो मॉडल एफ फाइव यूथ। दोस्तों यहाँ पे ये स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 7.1 नुगट के ऊपर चलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टम यूआई ओप्पो की खुद की बनाई हुई कलर ओएस 3.2 देखने को मिलती है, जो बिल्कुल आईओएस के तरह है। दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो डुअल सिम स्मार्टफोन है, दोनों नैनो इंडियन बैंड 4G को सपोर्ट कर लेता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो डिजाइन इसका बहुत अच्छा खासा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 156.5 mm की हाइट, 76 mm की विड्थ, 7.5 mm का थिकनेस, और साथ ही साथ 152 ग्राम का वेट, यानी एक अच्छा खासा डिजाइन वाला स्मार्टफोन है। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों यहाँ पे आपको 6 इंच का एक फुल व्यू इन्फिनिटी डिस्प्ले, यानी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको रेजुलेशन देखने को मिलेगा फुल एचडी प्लस। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 402 ppi पिक्सल पर इंच देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्ट किया गया है कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ, यहाँ पे आपको आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है, यानी एक अच्छा खासा डिस्प्ले है। दोस्तों इन्फिनिटी डिस्प्ले है तो एक अच्छा देखने को लगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक मजबूत हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक का। जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक 6763। दोस्तों ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका 4 कोर बेस्ड है 1.65 गीगाहर्ट्ज़ पर और 4 कोर बेस्ड है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलती है 64-bit की। दोस्तों यहाँ पे जीपीयू की बात करें ग्राफिक की, तो मालिका G71MP2 जीपीयू देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको 3 GB की रैम देखने को मिलती है, 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसे आप बढ़ा सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड के थ्रू 256 GB तक। दोस्तों यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो 3250 mAh की आपको यहाँ पे लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक नॉर्मल सा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको साथ ही साथ कुछ और स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, वाईफाई हॉटस्पॉट भी देखने को मिल जाता है, जीपीएस भी देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है, एनएफसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो जैक 3.5 mm का देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ लाउड स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे सेंसर की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने को मिल जाता है, और बहुत तरह के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर। यहाँ पे आपको जायरोस्कोप मिसिंग है, यानी जायरोस्कोप आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो आप वीआर का लुत्फ इसमें नहीं उठा सकते। दोस्तों बस यही है कुछ इसके स्पेसिफिकेशन। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इंडिया में जल्द ही आने वाला है, मतलब कि दिसंबर या जनवरी तक ये इंडिया में आ जाएगा। दोस्तों ये तो उसके रिलीज डेट के बारे में बात हो गई, प्राइस इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है करीब करीब 18,000 से 19,000, यानी 18,000 से 20,000 के बीच में ही होगा, क्योंकि ओप्पो तो अपने प्राइस को कम करने वाला है नहीं। अब ओप्पो की मार्केटिंग भी अच्छी है बाजार में, तो स्मार्टफोन बिक ही जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्फी फोकस किया गया है सेल्फी पे ही, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जहां पे आपको सीमोस सेंसर देखने को मिलता है। दोस्तों कैमरा के बारे में हमने तो बात किया ही नहीं, तो उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे आपको सीमोस सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियर कैमरे की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा, जहां पे आपको अपर्चर देखने को मिलती है f2.2 की। दोस्तों फ्रंट में आपको अपर्चर देखने को मिलती है 2.0 की। दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वहां पे आपको एक सॉफ्ट लाइट फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा, यानी पूर्ण रूपेण यहाँ पे सेल्फी पे फोकस किया गया, फ्रंट कैमरा बेटर होगा। ओप्पो का सारे स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा बेटर होता है जो सेल्फी सेंटर के स्मार्टफोन है। और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, तो एक अच्छा खासा नॉर्मल सा कैमरा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, एक नॉर्मल सा कैमरा है। दोस्तों बस यही इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों और इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।